हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार, आपका दोस्त, एक बार फिर HSC अवेयरनेस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे जितने भी वीडियो थे पुराने, आपने सबने पसंद किया, बहुत सारे कमेंट्स आए, सब्सक्राइब भी आए, और जिन्होंने भी मेरा वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल का आइकन का बटन दबा के कोई भी नया वीडियो जो अपलोड होता है उसको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं। तो मैं आज आपके बीच एक नया वीडियो, नया टॉपिक लेके आया हूँ कि जो भी हम कोर्स करते हैं या जो भी हम स्टडी करते हैं, उस जो भी सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं, उसके बाद हम ड्यूटी पे जाते हैं। तो हमें वहाँ ड्यूटी पे जाके करना क्या होता है एक HSC ऑफिसर को, एक सेफ्टी ऑफिसर को, वो मैं आज टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता रहेगा कि हमें करना क्या है, तब तक हम सही चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। चलिए, मैं बिना समय गंवाए हुए अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस बार का जो टॉपिक है ड्यूटी ऑफ HSC ऑफिसर, ड्यूटी ऑफ सेफ्टी सुपरवाइजर, ड्यूटी ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, तो मैं आपको वन बाय वन उसका एलोबरेट करूंगा, आपको बताऊंगा। फाइंडिंग ऑफ अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन फाइंडिंग करना होता है, लेकिन केवल फाइंडिंग करके हमें वहीं तक नहीं छोड़ना होता है। हमें उसका क्लोजर कहाँ तक गया, कहाँ तक उसको क्लोज किया गया, वो भी हमें उसका इंश्योर करना पड़ता है। वेरियस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हमको कंडक्ट करना पड़ता है, जैसे कि इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग होता है, टूल बॉक्स टॉक होता है, क्लासरूम ट्रेनिंग, डिफरेंट, जैसे फायर फाइटिंग का ट्रेनिंग हो गया, फर्स्ट एड का हो गया, सेफ रिगिंग का हो गया, मैनुअल हैंडलिंग का, मैकेनिकल हैंडलिंग का हो गया। इस तरह की जितने भी ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं हम, वो सारे हमारे HSC पर्सनल के अंतर्गत आता है। वो सारे HSC पर्सनल कंडक्ट करते हैं, या किसी बाहरी थर्ड पार्टी जो ट्रेनर होता है उसको हम इनवाइट करते हैं और ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं। इसके बाद आता है वेरियस टाइप ऑफ इंस्पेक्शन एंड ट्रेनिंग। इंस्पेक्शन, मान लीजिए कि हम जब कोई गया इंस्पेक्शन के लिए, टूल्स एंड स्टेकल्स का है, सीलिंग, वेल्ड, डिसाइकल, रोप, जो भी है उसको हम इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन के साथ साथ उनका ट्रेनिंग भी देते हैं जो भी वहां पे अवेलेबल हो, कि कैसे उसको रख रखाव करना होता है। मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर का उसका हम क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते हैं, और जो लोग भी वहां पे हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि वो भी उस चीज को डे बाय डे देख सके। इसके बाद आता है आपका प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप ऑफ प्लान, जैसे कि HSE प्लान, इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान, हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान, मानसून प्रिपेयरनेस प्लान, जर्नी मैनेजमेंट प्लान। अदर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनी है, उनका अलग अलग प्रोसीजर होता है। वो सारे प्लान हमको प्रिपेयर करने पड़ते हैं और रिव्यू करा के उसे अपने एज पर क्लाइंट या जिससे भी हम कंसर्न पर्सन है उसे अप्रूव कराने पड़ते हैं। उसके बाद हमें ऑडिट, ऑडिट जो इंटरनल ऑडिट होता है उसे कंडक्ट कराने पड़ते हैं, या एक्सटर्नल ऑडिट को हमें फेस करने पड़ते हैं। जो भी बाहर से अगर ऑडिटर आता है तो हम ऑडिटी होते हैं, उस समय हमें उस ऑडिट को फेस करना पड़ता है। इसके बाद हम, जैसे कि हैजार्ड को फाइंडिंग होता है, ये टेक्निक्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं, उसमें से जैसे है, हीरा है, हेजॉप है, हेम्प है, जो भी टेक्निक्स आपके ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं उस टेक्निक्स को हमें प्रिपेयर करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, ताकि हैजार्ड को हम फाइंडिंग करके उसका हम कैसे उसका मिनिमाइज कर सकें, उसका कंट्रोल मेजर ले सके। इंपैक्ट एस्पेक्ट रजिस्टर, इंपैक्ट एस्पेक्ट रजिस्टर होता है, उसे हमें प्रिपेयर करना पड़ता है और लोगों को बताना पड़ता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं उसे इन्वायरमेंट से हम क्या ले रहे हैं और हमारे काम करने से उसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। हमारी कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी होता है, जैसे कि HSE पॉलिसी है, क्वालिटी पॉलिसी है, आपको सेफ ड्राइविंग पॉलिसी है, ड्रग एंड अल्कोहल पॉलिसी है, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड प्रोविडेंट पॉलिसी है। तो जो भी पॉलिसी है उसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, और उसके बाद हमें जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है उसे क्लाइंट से या जो भी कंसर्न पर्सन होते हैं उनके थ्रू हमें कम्युनिकेशन करना पड़ता है। आरओआर, रोल्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन का जो रजिस्टर होता है, कि मान लीजिए जहां हम काम करते हैं वहां पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट हो रहे हैं,
वो सारी चीजें हम एक रजिस्टर प्रिपेयर करते हैं और वो शेयर करते हैं कंसर्न पर्सन से। टाइम टू टाइम हमें कॉम्पिटेंसी असेसमेंट भी करना पड़ता है कि जो आदमी अगर पहले तो इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं उसी समय कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करते हैं, या जब हम अदर ट्रेनिंग देते हैं उस समय भी कॉम्पिटेंसी असेसमेंट करते हैं कि जिस आदमी को हम लोग दे रहे हैं या जो आदमी वो काम करने के लिए जा रहा है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है। इसके बाद आता है जितने भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होते हैं उनका रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड उसका जो भी रिपोर्ट होता है हमको सर्कुलेट करना या अलर्ट इशू करना। कोई नियर मिस हुआ या कोई भी इंसिडेंट हुआ उसे हम अलर्ट इशू करते हैं दूसरे साइड या दूसरे अपने इंटरनल डिपार्टमेंट या को क्लाइंट के पास, ताकि उनको पता चले कि इस तरह का घटना हुआ है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो केस स्टडी रहता है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सर्कुलेट करते हैं ताकि जो घटना यहाँ पे हुआ किसी और के साथ वो कहीं और साइड पे ना हो। उसके बाद जितने टूल्स टेक्टल्स हैं, जितने इक्विपमेंट्स हैं, सबका टेस्ट सर्टिफिकेशन मेक श्योर करना है कि वो वैलिड है या नहीं है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि कमिटी मीटिंग, एचएससी कमिटी मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, एजेंडा प्रिपेयर करना, कमेटी का एमओएम रिपोर्ट तैयार करना और उसका कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करना और सबको सर्कुलेट करना, ये एचएससी पर्सनल का काम होता है। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करना एज पर कंपनी स्टैंडर्ड, कंपनी कहीं मंथली होता है, कहीं क्वार्टरली होता है, कहीं सिक्स मंथ होता है, तो जैसा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको मॉक ड्रिल कंडक्ट करना होता है। पीटीडब्ल्यू सिस्टम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट परमिट टू वर्क सिस्टम इंप्लीमेंट करती है, उस परमिट सिस्टम को हमें इंप्लीमेंट करना है और उसको कैरी आउट करना है, उसको प्रॉपर फॉलोअप करना है। मोटिवेशनल प्रोग्राम, ताकि आदमी हमेशा जो वर्क फोर्स है, जो वर्कमैन है, वो मोटिवेट रहें और काम को अच्छे तरह से उसको इम्प्लीमेंट करें। मोटिवेशनल प्रोग्राम हमें कंडक्ट करना होता है। सेफ्टी इंटरवेंशन, जब भी हम साइट पे जाते हैं और कुछ भी अनसेफ देखते हैं तो हमें सेफ्टी इंटरवेंशन करना होता है, उसमें इंटरवेन करना पड़ता है कि भाई ये चीज गलत कर रहा है, उसका ये राइट प्रोसीजर है, हमें ये करना है। कुछ भी होता है तो उसका हमको कापा तैयार करना पड़ता है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिंग एक्शन। कापा करेक्टिव एक्शन दैट मीन्स उस समय जो आप क्या एक्शन लिए उसको करेक्ट करने के लिए वो, और प्रिवेंटिंग एक्शन जो हमें आने वाले टाइम में फिर वो घटना दोबारा ना हो उसके लिए क्या हमने एक्शन लिया, वो चीज प्रिवेंटिंग एक्शन। और जो भी आपका स्टैंडर्ड कंपनी फॉलो करती है सर्टिफिकेशन है, डिफरेंट डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, तो जो भी उसका स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपका गाइडलाइन है उसको कंप्लीट कराना, उसको इन्फोर्स करना। इसके बाद एक मैक्स जो लास्ट हम बोलते हैं कि PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो सब किसी का पर्सनल जिम्मेदारी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सेफ्टी पर्सनल उसको मेक श्योर करता है ताकि कि और लोग भी जो है, कोई ऐसा तो नहीं है जो पर्सनल अकॉर्डिंग टू जॉब वो PPE यूज नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारे वर्क होते हैं लेकिन ऑलमोस्ट जो वर्क है सेफ्टी पर्सनल का जो ड्यूटीज हैं वो इसमें ही कवर होते हैं। थैंक यू गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।